हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, जाखल ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज हम अपनी मैथ की क्लास के अंदर कुछ सीखेंगे। जी प्यारे बच्चों, आज जो हम करेंगे हमारी क्लास 9th का हमारे आगे का टॉपिक, ठीक है, 11.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें आपको तीन अलग अलग तरह के क्वेश्चंस, तीन चार तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास पहला क्वेश्चन देखिए, हमें क्या कह रहा है, एक त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें बीसी बराबर में 7 सेंटीमीटर, कोण बी बराबर में 75 डिग्री और ए बी प्लस ए सी, दो मतलब दो भुजाओं का जोड़ हमें 13 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, हमारे पास पहले क्वेश्चन के अंदर आप 7 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे। हमारे पास सबसे पहले तो 7 सेंटीमीटर की रेखा खींची जाएगी आपकी, ठीक है, जिसको इन्होंने क्या नाम दिया हुआ, बी सी का, ठीक है। तो आप इस रेखा को बी सी का ही नाम दे देंगे कि आपने ये बी सी रेखा खींची है जो 7 सेंटीमीटर की है। अब हमें कोण दिया हुआ है कि इन्होंने कोण बी, बी कोण दिया गया, तो इस बी बिंदु पर बनाएंगे हम, ठीक है। हमें कितने डिग्री का कोण दिया हुआ है इन्होंने, 75 डिग्री का, तो हम यहाँ पर ए बिंदु के, बी बिंदु के ऊपर 75 डिग्री का कोण बनाएंगे। 75 डिग्री का कोण बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास चाप काटते हैं, ठीक है। आपकी चाप कटने पर हमारे पास जो पहली, ये दोनों बिंदु बना हमारे पास, ये पहली बिंदु हो गया हमारा बी सी हो गया, इस पर हम पहली चाप काट देंगे 60 डिग्री की होगी। 60 डिग्री पर रखकर हम अपनी दूसरी चाप काटेंगे, ठीक है, वो हमारी 120 डिग्री की होगी। 60 और 120 के आधा करके हम, ठीक है, 60 और 120 का आधा करेंगे हमारे पास, वो हमारा 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा 90 डिग्री का कोण बन गया, क्योंकि हमें 75 का बनाना है। 75 का बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो 90 का कोण बनाना ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो वही चीज़ हम करेंगे, हमारे पास 90 का कोण बनाया हमने, ठीक है, ये आपके पास 90 डिग्री का कोण बन गया। अब हमें 75 का बनाना है, तो वो 60 और 90 का समद्विभाजक हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास 60 और 90 का समद्विभाजक करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों बिंदु को, यहाँ आपके पास पिछली एक्सरसाइज 11.1 की तरह सारा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, प्रकार को थोड़े चाहे उतना ही खोले रखें चाहे कम ज़्यादा कर लें, वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है, ठीक है। हमारे पास जहाँ भी ये मिले आप क्या करेंगे, हमारे पास एक बी बिंदु को से यहाँ से होती हुई एक रेखा खींच देंगे हमारे पास, ठीक है, इस बिंदु से गुजरती हुई आपने रेखा खींच दी, ठीक है। हमारे पास अब इन्होंने क्या कहा है, 13 सेंटीमीटर की रेखा होनी चाहिए आपके पास ये, ठीक है, मतलब 13 सेंटीमीटर की, क्योंकि दोनों दो भुजाओं का जोड़ हमें 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम 13 सेंटीमीटर पर क्या करेंगे, प्रकार को 13 सेंटीमीटर जितना खोलेंगे, ठीक है, और उतने ही बिंदु पर खोलते हुए हम क्या करेंगे, चाप लगा देंगे हमारे पास, ठीक है। हमारे पास रखेंगे बिंदु बी पर रखते हुए 13 सेंटीमीटर की चाप, प्रकार खोलते हुए उतनी बड़ी चाप लगा देंगे हम, ठीक है, हमारे पास ये चाप लग जाएगी। इसके अंदर आपके पास ये चीज़ रहेगा, क्योंकि हमें जो कागज है इसकी साइज़ है वो हमें थोड़ा सा बाहर की तरफ जाके दिखाई दे रहा है, तो उस चीज़ के कारण आपको यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ठीक है, कि किस प्रकार से आपको इन चीज़ों को देखना है। आपके पास जहाँ ये चाप कटी 13 सेंटीमीटर की, ठीक है, इसको आप एक अन्य बिंदु का नाम दे देंगे, क्योंकि त्रिभुज आप ए बी सी बना रहे हैं तो इसको बिंदु डी का नाम दे देंगे, ठीक है। अब बिंदु डी को क्या करेंगे हम, बिंदु सी से मिलाएंगे हमारे पास, ठीक है, बिंदु डी को क्या करेंगे हम, बिंदु सी से मिलाएंगे। इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई हमने एक रेखा खींचनी है, ठीक है, मान लीजिए बिंदु सी और बिंदु डी हो गया हमारे पास, ठीक है, इन दोनों को मिलाती हुई हम रेखा खींचेंगे और डॉटेड लाइन खींचेंगे, मतलब कहेंगे इसको, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, इस सी डी भुजा का हम लमसम द्विभाजक खींचेंगे, ठीक है, इस सी डी भुजा का क्या किया जाएगा, लमसम द्विभाजक खींचा जाएगा, मीन्स आधे से ज़्यादा प्रकार खोल के आप ऊपर और नीचे की तरफ चाप लगाएंगे, ठीक है। पहले सी बिंदु पर रख कर लगा दी, फिर इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, बिंदु डी पर रखेंगे हमारे पास, ठीक है, बिंदु डी पर रखते हुए चाप लगा देंगे, जहाँ पर आपस में वो कट गई चाप आपस में, ठीक है, उन दोनों चाप को मिलाते हुए हमें एक रेखा खींचनी होगी इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाते हुए, ठीक है, ये चाप खींचेंगे हम। हमारे पास जहां ये आपस में कट रहा है वो बिंदु ए हो गया हमारे लिए, ठीक है। अब इस ए बिंदु को हमें क्या करना होगा, ठीक है, हम बिंदु सी से मिला देंगे, ए बिंदु को हम क्या करेंगे, बिंदु
सी से मिला देंगे, ठीक है। ये आपके पास आपकी अभीष्ट त्रिभुज एबीसी बनकर तैयार है। अब इसी चीज़ के लिए हमने क्या कर देनी है, रचना लिख देनी है, ठीक है। जैसे जैसे आपने बनाई है वैसे वैसे इसकी रचना हो जाएगी। इस क्वेश्चन के अंदर आपको सिर्फ रचना ही लिखनी है, तो रचना के ही पॉइंट्स, क्योंकि कुछ हमें वेरिफिकेशन तो इनमें करनी नहीं है। पहला काम क्या किया है हमने, ठीक है, उसी हिसाब से हम करेंगे। सबसे पहला काम क्या किया हमने, बी सी बराबर में 7 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा। बी सी बराबर में 7 सेंटीमीटर, ठीक है, का एक रेखाखंड खींचा, क्लियर। उसके बाद दूसरा काम पॉइंट क्या किया हमने, ठीक है, हमने बिंदु बी पर 75 डिग्री का कोण बनाया है, ठीक है ना। बी से 75 डिग्री का कोण डी बी सी बनाया, ठीक है, ये चीज काम किया। तीसरा हमने क्या किया, इस बिंदु सी को बिंदु डी से मिलाया हमने, ठीक है, सी को डी से मिलाया, ये काम किया हमने, ठीक है। उसके बाद चौथा काम हमने क्या किया इसके अंदर, हमारे पास चौथे काम के अंदर तौर पर देखेंगे, चौथे काम के तौर पर हमने क्या किया, इस सी डी भुजा थी जो हमारे पास, इसका हमने लंब समद्विभाजक खींचा था, ठीक है। सॉरी, इससे पहले हमने जो ये सी डी डी बिंदु डी ज्ञात किया हमने, जो डी बी सी कोण तो बना दिया 75 डिग्री का, लेकिन ये डी बिंदु की चाप भी तो काटी है हमने, ठीक है, तो उसके बारे में भी हमें लिखना होगा। तो यहाँ हम सबसे पहले अब तीसरा पॉइंट यही लिखेंगे, ठीक है, बी डी बराबर में 13 सेंटीमीटर, ठीक है ना, बी डी बराबर में 13 सेंटीमीटर की चाप काटी, ये काम किया हमने। ये हमारे पास हमारा चौथा पॉइंट था। अब पांचवा पॉइंट आपके पास, ठीक है, इसके अंदर आप, क्योंकि डी बी सी अभी आपके पास नहीं था, आप इसको जैसे मान लीजिए बिंदु ई नाम दे दें, तो इसको आप कौन ई बी सी भी कह सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि दूसरे पॉइंट तक आपके पास बिंदु डी के बारे में आपको जानकारी नहीं है, ठीक है, तो इसलिए आप इसको कौन ई बी सी भी कह सकते हैं, या अकेला कौन बी भी कह देंगे तो वो भी चल जाएगा हमारे पास, ठीक है। आपने पहले लाइन खींची, दूसरा आपने 75 डिग्री का कोण बनाया, तीसरा आपने चाप काटी 13 सेंटीमीटर की, ठीक है, 13 सेंटीमीटर की चाप काटी, चौथा आपने इस बी सी डी को मिलाया, बिंदु सी को डी से मिलाया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, इस सी डी का लंब समद्विभाजक खींचा, ठीक है, सी डी का लंब समद्विभाजक, ठीक है, लंब समद्विभाजक खींचा, जो इस बी डी को बिंदु ए पर काटता है, जो बी डी को बिंदु ए पर मिलता है, ठीक है, ये चीज होगी आपके पास। अब उसके बाद छठा क्या हो गया आपके पास, ए सी को मिला दिया, फिर आपने ए सी को मिलाया, ठीक है। अब जब ए सी को मिला दिया तो हमारे पास क्या हो गया, हमारी अभीष्ट त्रिभुज बनकर तैयार है, ठीक है। अंततः त्रिभुज ए बी सी अभीष्ट त्रिभुज है, ठीक है, अतः त्रिभुज ए बी सी अभीष्ट त्रिभुज बन गई, ठीक है, या है, मतलब जो मर्जी लिख सकते हैं हम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, क्लियर। इस तरीके से हमारे पास हमारा ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाता है, पहला क्वेश्चन हमारा। आगे देखेंगे हम, हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर दो, उसको हम किस तरीके से करेंगे, क्वेश्चन नंबर दो में देखेंगे आपके पास, ठीक है। आपको एक क्या कह रहा है, एक त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें बीसी बराबर में हमारे पास 8 सेंटीमीटर दिया गया है, हमने एक 8 सेंटीमीटर की ले रेखा खींच ली, ठीक है, और आगे कोण बी कह रहा है हमें 45 डिग्री का, ठीक है, और दो भुजाओं का अंतर मतलब ए बी माइनस ए सी दे रहा है हमें 3.5 सेंटीमीटर। अब ऐसे जो अंतर वाले क्वेश्चन हैं, इनमें इन चीज़ों का खास ख्याल रखना होता है आपको, ठीक है, कि जो अंतर है वो हमें ऊपर की तरफ लेना है, इस 45 डिग्री का जो हम यहाँ पर कोण बनाएंगे, इसमें अंतर हमें ऊपर की तरफ लेना है या नीचे की तरफ लेना है, ठीक है। आपके पास नीचे बी सी है हमारे पास, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर ध्यान दें, मान लेते हैं हम, हमारे पास एक जनरल जी हम बात करते हैं, ठीक है, आपके पास मान लीजिए बी सी है 8 सेंटीमीटर, तो आपके पास ये बिंदु ए यहाँ पर होगा, ठीक है, हमें क्या दे रहा है ये ए बी माइनस ए सी, ए बी माइनस ए सी दे रहा है, मतलब ये रेखा बड़ी है आपकी और ये रेखा छोटी है, जिस कोण के ऊपर आप बना क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, अगर वही रेखा आपकी बड़ी हो, ठीक है, तो आप उसी कोण के ऊपर की तरफ अंतर लेंगे, और अगर दूसरी तरफ उसके विपरीत वाली बड़ी हो तो ये अंतर आपको नीचे की तरफ लेना होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर दो में देखेंगे हम, अंतर है जो वो ऊपर की तरफ लेंगे, और क्वेश्चन नंबर तीन में हम जो अंतर है वो नीचे की तरफ लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर तीन को करेंगे जब हम, उसके अंदर हमारे पास और क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट,
अब देखते हैं हम 45 डिग्री का कोण बनाएंगे बिंदु बी पर। हमारे पास 45 का कोण आपको बनाना आता ही है, ठीक है, आपने पीछे बनाई है, उसी तरीके से इस कोण को बनाएंगे। अब हम बिंदु बी से कोण बनाएंगे। हमारे पास पहले हम चाप 60 की चाप काटते हैं, ठीक है, फिर हम 60 से 120 की, 60 और 120 पर रखकर हम 90 की चाप लगाएंगे, जिससे हमारे पास 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। फिर हम 0 और 90 का समद्विभाजक खींचते हुए हमारे पास 45 डिग्री का कोण बनाएंगे, जिससे हमारे पास 45 डिग्री का कोण बन जाएगा। ये हमारे पास हमारा 45 डिग्री का कोण बनकर तैयार है, ठीक है। अब हमें क्या दिया हुआ है, भुजाओं का अंतर दिया गया है, ठीक है। हम जानते हैं क्योंकि बी सी ए बी रेखा इस तरह बनेगी, जैसे मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है। तो आप इसमें जो अंतर लेंगे, जो भुजाओं का अंतर दिया गया है, वो इस तरफ ऊपर की तरफ ही लिया जाएगा आपके पास, ठीक है। हमें अंतर इन्होंने कितना दिया है, 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो हम 3.5 सेंटीमीटर इसी प्रकार खोलेंगे और इस पर बिंदु बी पर हम चाप काट देंगे। हमारे बिंदु बी पर रखा और हमने इस चाप को काट देंगे, ठीक है। ये जो चाप कटने के बाद हमारा बिंदु बना, ये हमारा क्या हो जाएगा, बिंदु डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वही सेम काम जो आपने पिछले क्वेश्चंस के पैनल क्वेश्चन नंबर 1 में किया, सेम वही डिटो काम आपको करना है, ठीक है। उसी तरह से आपको इस सी डी को मिलाना होगा, फिर सी डी का लमसम दराजा खींचेंगे आप, ठीक है। जहाँ पर भी वो इस रेखा को, इस बी डी रेखा को मिलेगा, वो बिंदु आपके पास क्या हो जाएगा, आपका सी डी को मिलाएंगे, सी डी का लमसम दराजा खींचेंगे। जहाँ भी जाकर वो बिंदु डी को, इस पूरी बी डी रेखा को मिलेगा, वो आपके लिए बिंदु ए हो जाएगा, ठीक है। फिर उस ए बिंदु को आप बिंदु सी से मिला देंगे, ठीक ठीक है। उसी तरीके से आप क्वेश्चंस को करेंगे, देखते हैं हम कैसे करना है क्वेश्चंस को। इसमें अब हम सबसे पहले बिंदु सी को बिंदु डी से मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे, ये रेखा हमारी डॉटर लाइन होगी, ठीक है। उसके बाद हम रेखा सी डी का लंब समद्विभाजक खींचेंगे, सी पर रखकर ऊपर नीचे की तरफ चाप लगाएंगे, फिर इसी प्रकार डी पर रखकर ऊपर नीचे की तरफ चाप लगाएंगे। दोनों चाप आपस में जहाँ भी कटेंगी, ठीक है, उन बिंदुओं को मिलाती हुई हम एक रेखा खींचेंगे हमारे पास, ठीक है। जो हमारी रेखा जो बी डी थी, उसके बड़े हुए भाग को ऊपर की तरफ बिंदु ए पर मिल रही है। अब हमें करना क्या होगा, ए और सी को हम मिला देंगे, जिससे हमारे पास हमारी ए सी रेखा बन जाएगी, ठीक है। आपने देखा कि कैसे हमने सी डी को मिलाया, ठीक है, और सी डी का लंब दराज खींचा हमारे पास, जो आपके बड़ी हुई रेखा बी डी को बिंदु ए पर मिला, ए को हमने सी से मिला दिया। ये हमारे पास दोनों इसकी भुजाएं होगी, त्रिभुज हमारी ए बी सी बनकर तैयार होगी, जिसके अंदर जो भुजाओं का अंतर है हमारे पास, ठीक है, वो आपके पास 3.5 सेंटीमीटर है, क्योंकि जो ये भाग है आपके वो बराबर हैं, ठीक है, और ये आपके पास फालतू होगी इस त्रिभुज की, वही अंतर हमारे पास रह जाएगा इसके अंदर, क्लियर। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट हो जाता है। और इसकी जो रचना लिखनी है हमने, वो सेम उसी तरीके से जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 की रचना लिखी है, रचना लिखने का तरीका आपका बिल्कुल वही सेम रहेगा, ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं होगा। जैसे नंबर 1 अगर हम रचना की बात करें, रचना पर अगर हम बात करते हैं, तो नंबर 1 में हमने क्या किया, बी सी बराबर में 8 सेंटीमीटर, ठीक है, का रेखाखंड खींचा हमने, ठीक है, 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। और नंबर 2 के अंदर आपके पास देखेंगे, हमारे पास हमने क्या किया, ठीक है, इस बी सी के ऊपर, इस बिंदु बी के ऊपर हमने कोण बनाया, ठीक है, बिंदु बी पर 45 डिग्री का कोण बनाया गया, ठीक है, 45 डिग्री का कोण बनाया हमने। नाम देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कन्फ्यूजन अगर आपको क्रिएट होती है, ठीक है। नंबर 3 उस पर क्या किया हमने, इस पर हमने बी डी बराबर में 3.5 सेंटीमीटर की चाप काटी, ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर की चाप काटी हमारे पास, जो अंतर था हमें दिया गया, चाहे अंतर दिया गया चाहे आपको बढ़ाया गया, उसी हिसाब से आपने चाप काट देंगे। नंबर 4 आपने क्या किया, सी डी को मिलाया हमने, ठीक है, सी डी को मिलाया, क्लियर। नंबर 5 आपके पास देखेंगे, ठीक है, सी डी का लंब समद्विभाजक खींचा, सी डी का लंब समद्विभाजक खींचा, क्लियर। नंबर 6 के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, लंब समद्विभाजक खींचा, उसके बाद हमने क्या किया, ठीक है, जो हमारे पास बी डी को, जो बी डी को बिंदु ए पर काटता है, यहाँ आप लिख सकते हैं एक शब्द हमारे पास, बड़ी हुई बी डी को, ठीक है,
बढ़ी हुई बी डी लिख सकते हैं, क्योंकि आपके पास बी डी को बाहर की तरफ बढ़ाया गया है, जोड़ में अंदर की तरफ ही मिलेगा तो आप बी डी को लिख सकते हैं, और अंतर वाले के अंदर उसकी बढ़ी हुई रेखा को मिलेगा तो आप इसकी बढ़ी हुई बी डी को लिख सकते हैं, ठीक है। और नंबर छः के अंदर आपने क्या किया, ए सी को मिलाया, ठीक है, और उसके बाद आपके पास अंत है, ठीक है, अंत है। अब आपके पास क्या हो गया, त्रिभुज ए बी सी अभीष्ट त्रिभुज है, ठीक है, अभीष्ट त्रिभुज है, मतलब जो त्रिभुज आपको बनाने के लिए कही गई थी वो त्रिभुज आपके पास ही आपकी अभीष्ट त्रिभुज होगी हमारे पास, ठीक है। देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर एक और दो की अगर आप रचना देखते हैं तो बिल्कुल वो सेम रहेगी हमारे पास, ठीक है ना, रचना में कहीं भी कोई भी फर्क आपके पास नहीं आएगा। आपके पहले रेखा खींची, दूसरा आपने कोण बनाया, तीसरा आपने जो अंतर या योग दिया गया था उसकी चाप लगाई, चौथा आपने आपके उसको सी डी को मिलाया, पाँचवा आपने सी डी का लंब संदर्भ खींचा, ठीक है, जो बी डी को बिंदु ए पर मिलता है, योग था तो बी डी को, और अगर अंतर दिया गया तो बढ़ी हुई बी डी को, छठा आपने ए सी को मिलाया, सातवां आपके पास अंत है ए बी सी आपकी अभीष्ट त्रिभुज है, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीन। इसके अंदर आपके पास क्या चीज़ है, क्वेश्चन नंबर तीन और दो में फ़र्क सिर्फ इतना है, इसमें आपके पास ए बी और ए सी इस तरफ की जो भुजा थी वो बड़ी थी आपके पास, लेफ्ट साइड की, राइट साइड की भुजा छोटी है, ठीक है, मतलब यूँ कहेंगे जिस पर कोण बनाया गया है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर तीन में, देखें आपके पास, ठीक है, आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर तीन के अंदर, हमें दे रहा है कि एक त्रिभुज बनानी है पी क्यू आर, जिसमें क्यू आर आपको दी हुई है इन्होंने 6 सेंटीमीटर हमें दी हुई है, ठीक है, और कोण क्यू दिया गया 60 डिग्री का। हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्यू आर एक रेखा खींचेंगे हमारे पास 6 सेंटीमीटर की, ठीक है, और उसके ऊपर हमने क्या करना होगा, हमारे पास उस आगे भुजा के ऊपर 60 डिग्री का कोण बनाना होगा, ठीक है, तो हम वही काम करेंगे, हमारे पास हम यहाँ पर एक 6 सेंटीमीटर की रेखा खींचते हैं हमारे पास, ठीक है, 6 सेंटीमीटर की रेखा खींचने के लिए कहा गया तो हमने 6 सेंटीमीटर की रेखा खींच लेंगे, ठीक है, ये हमारे पास क्या दी, कौन सी रेखा दी, नाम दिया गया इसको क्यू आर का, और उसके बाद कोण क्यू दिया गया 60 डिग्री का, तो इस बिंदु क्यू के ऊपर ही हमें 60 डिग्री का कोण बनाना है, ठीक है, तो हम यहाँ पर चाप काट देंगे, हमारे पास चाप काटने पर जो पहली ही चाप आपकी लगेगी, ठीक है, पहली ही चाप लगेगी वो 60 डिग्री की चाप हो जाएगी आपकी, तो उस चाप को मिलाते हुए आप रेखा खींच देंगे, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में ख्याल रखना होगा आपको, क्योंकि हमें आपका देखें इस क्वेश्चन के अंदर जो अंतर दिया गया है, ठीक है, उसको थोड़ा सा स्टडी अगर आप करेंगे, ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ अगर आप ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर दो में आपके पास क्या था, हमें ए बी सी ये चीज़ दी गई थी, ठीक है, तीन में आपको त्रिभुज पी क्यू आर बनानी है, ठीक है, आप ये बनाएंगे त्रिभुज क्यू आर और पी, ये चीज़ हमें क्या दिया गया, अंतर, जो अंतर दिया गया है पी आर माइनस पी क्यू, मतलब ये वाली भुजा आपकी राइट साइड वाली भुजा जो जिसको कोण के ऊपर नहीं है, इस तरफ वाली जो भुजा है वो बड़ी है और पी क्यू आपकी छोटी भुजा है, ठीक है, तो इसलिए हमें इस क्वेश्चन में क्या करना होगा, आपको जो अंतर लेना ऊपर की जगह अंतर को नीचे की तरफ लेना होगा, ठीक है, इस क्वेश्चन में आपके इस बात का खास ख्याल रखना है, क्लियर। अब हम वही करेंगे, नीचे की तरफ हम क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर की चाप काटेंगे हमारे पास क्यू से लेकर, ठीक है, क्योंकि हमें करना है 2 सेंटीमीटर का अंतर दिया हुआ है इन्होंने, हमने क्यू बिंदु पर रखेंगे, बिंदु क्यू पर रखकर हमारे पास जो ये चाप कट जाएगी, ये हमारा क्या आ जाएगा, बिंदु डी आ जाएगा आपके पास, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, हमारा बिंदु डी आ गया। अब इस बिंदु डी के साथ आपको क्या करना है, वही काम जो आपने पहले बाकी क्वेश्चंस में किया है, आप यहाँ से आर डी को मिलाएंगे, आर डी का लंब समतल खींचेंगे, जो इस डी क्यू को रेखा को, ठीक है, जो इस डी क्यू रेखा को हमारे पास यह कह लें, अगर आपने इसको नाम दे रखा है, मान लो इसको जैसे ई नाम दे देते हो, आप ई नाम दे देते हो कुछ भी, ठीक है, तो आप लिख देंगे जो ए क्यू को बिंदु पी पर काटेगी, ठीक है, तो उसके पी को फिर आर से मिला देंगे, उस तरीके से आपकी वो जो अभीष्ट त्रिभुज पी क्यू आर बनकर तैयार हो जाएगी, ठीक है। देखते हैं अब हम इसकी रचना कैसे करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम बिंदु ए को बिंदु डी से मिला देंगे, बिंदु ए को डी से मिलाने पर जो रेखा होगी हमारी वो डॉटर लाइन लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इस ए डी रेखा का लंब समद्विभाजक खींचेंगे, मीन्स आधे से ज़्यादा प्रकार खोलकर ऊपर नीचे की तरफ चाप लगाएंगे, पहले बिंदु डी पर रखकर फिर बिंदु ए पर रखकर, ठीक है, और दोनों चाप आपस में जहाँ भी कटेंगी उन चापों को मिलाते हुए हम एक रेखा खींचेंगे जो ऊपर की तरफ जाकर हमारे पास बिंदु जो ए डी ए रेखा है हमारे पास क्यू ए उसके बिंदु पी पर मिलेगी, फिर हम पी और बिंदु आर को मिला देंगे और हमारी त्रिभुज पी क्यू आर बनकर तैयार हो जाएगी।
इस तरीके से हमारे पास हमारे ये त्रिभुज पी क्यू आर बनकर तैयार हो जाती है, जिसमें आपके देखें पी आर आपको बड़ी भुजा और क्यू पी क्यू आपको छोटी भुजा दिखाई दे रही है, मतलब पी आर माइनस पी क्यू का जो अंतर है वो 2 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। और रचना की अगर हम बात करें, रचना हमारे पास बिल्कुल वही सेम तरीका, ठीक है। पहला पॉइंट आपके पास, ठीक है, आपने क्यू आर खींची, ठीक है, क्यू आर इसके अंदर में कितनी दी गई थी, 6 सेंटीमीटर रेखा दी गई थी, तो आप क्या करेंगे, क्यू आर 6 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा, आपने ये काम किया। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या किया आपने इसके अंदर, ठीक है, कौन क्यू बराबर में 60 डिग्री बनाया, ठीक है, जो 60 डिग्री का तो बनाया ही हमने, लेकिन उसमें भी क्या किया, उसको नीचे की तरफ बढ़ाया, ठीक है, जिसे नीचे बढ़ाया, ठीक है। नंबर 3 में हमने क्या किया, क्यू डी बराबर में 2 सेंटीमीटर की चाप नीचे की तरफ काटी, कि चाप नीचे की तरफ काटी, ठीक है, ये काम किया हमने। उसके बाद हमने क्या किया, नंबर 4 डी आर को मिलाया, ठीक है, नंबर 5 डी आर का लंब समद्विभाजक खींचा, डी आर का हमने लंब समद्विभाजक खींचा, जो हमारे पास ए क्यू को, ठीक है, बिंदु पी पर मिलता है, जो हमारे पास ए क्यू को बिंदु पी पर मिलता है। उसके बाद हमने क्या किया, पी आर को मिलाया। अच्छा, कोण किस तरीके से बनाया, जैसे हमने पिछली 11.1 में रचना की थी, उसकी डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना, कोण नंबर 60 डिग्री का बनाया, पहली चाप का टी एक की, उस चीज़ को डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। अंत है त्रिभुज पी क्यू आर अभीष्ट त्रिभुज है, क्लियर। ऐसे ही हम क्या करेंगे, हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर चार से पहले मैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में जरूर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, आपको एक समकोण त्रिभुज की रचना करने के लिए कहा है हमें, ठीक है, कहना एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए, समकोण त्रिभुज की रचना करनी है हमें, ठीक है, जिसका आधार 12 सेंटीमीटर और कर्ण तथा अन्य भुजा का योग 18 सेंटीमीटर है, क्योंकि पहले क्वेश्चन में भी आपको योग दिया गया था, तो उसी कारण ये हुआ हमारे पास। आप क्या करेंगे, 12 सेंटीमीटर की रेखा खींच लेंगे, इसको जो मर्जी नाम दे लें, मान लीजिए बी सी ही नाम दे दें, ताकि रचना भी आपके पास वही सेम काम आ जाए, ठीक है। फिर इस बी बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, 60 120 90, आपके पास ये कोण बन गया, ठीक है। और यहाँ पर आप 18 सेंटीमीटर की चाप काटनी है आपको, क्योंकि जोड़ 18 सेंटीमीटर दिया गया, 18 यहाँ पर रखकर आप 18 सेंटीमीटर की चाप काट देंगे, ये बिंदु डी हो गया आपके पास। फिर क्या करेंगे, इस बी डी को मिलाएंगे, ठीक है, और सॉरी सी डी को मिलाएंगे, सी डी का लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक मतलब आधे से ज़्यादा प्रकार खोल के पहले सी पर रखकर ऊपर की तरफ, इस तरफ चाप, राइट साइड में फिर लेफ्ट साइड में चाप, ठीक है, जहाँ मर्जी हो सकती है वो चाप, अंदर कटे बाहर कटे, वो आपकी चाप की डिपेंड करता है कितना साइज खोलते हैं। फिर डी पर रखकर आपके पास, ठीक है, फिर इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए, ठीक है, आप चाप काट देंगे, जहाँ पर ये कटेगी वो हमारे पास बिंदु ए हो जाएगा, इस ए बिंदु को आप बिंदु सी से मिला देंगे, हमारे पास हमारी त्रिभुज ए बी सी अभिष्ट त्रिभुज बनकर तैयार हो जाएगी, ठीक है। और रचना के पॉइंट क्या, करने का तरीका आपका बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह रहेगा, इनमें और दोनों में कोई भी फर्क आपका नहीं होगा, क्लियर, उस तरीके से आपने को करना है। आगे देखते हैं, आपको उदाहरण नंबर 1 दिखाई दे रहा है, जिसमें तीनों भुजाओं का जोड़ दिया गया है, ठीक है, ये हमारे सिलेबस से डिलीट हो चुका है, क्योंकि एक्सरसाइज 11.2 का हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें तीनों भुजाओं का योग दिया गया है, ठीक है, वो इस साल हमारे सिलेबस के अंदर से, ठीक, हमारा सेशन 2021-22 के अंदर ये हमारे सिलेबस से डिलीट है। और इसी पर हम आगे देखते हैं हमारे पास कि जो हमने क्वेश्चन किए हैं दो भुजाओं के योग और अंतर वाले, उनको हम किस प्रकार से करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं रचना 11.4, इसमें क्या कहा है इन्होंने, दिए हुए आधार एक आधार कोण अन्य दो भुजाओं के योग में त्रिभुज की रचना कीजिए। मीन जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 किया है, ठीक है, जिसमें एक आधार दो भुजाओं का योग और एक कोण दिया गया था, आपने उस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा, ठीक है। इसके अंदर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की भुजाओं को लेकर आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और इसके बाद अगर हम देखते हैं हमारे पास हमारी रचना 11.5 हमारी, ठीक है, इसके अंदर आपको क्या कह रहा है ये,
कहना एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका आधार एक आधार कोण तथा अन्य दो भुजाओं का अंतर दिया हो। अब इसके ऊपर हमारे पास क्या रहता है कि दो स्थितियां हमारी बनती हैं, जैसा हमने देखा था क्वेश्चन नंबर दो और क्वेश्चन नंबर तीन के अंदर, ठीक है। उसी प्रकार से आपने इनकी स्थितियां बनानी है कि योग कौन सी भुजा बड़ी दी गई है और कौन सी भुजा आपको छोटी दी गई है, उसी हिसाब से आपने अपना जो क्वेश्चन है उनको बनाकर देखना होगा, ठीक है। इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि कौन सी किस तरफ की भुजा बड़ी दी गई है, आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर दो की तरह होगा या क्वेश्चन नंबर तीन की तरह होगा। क्लियर, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स। आप इस प्रकार से अपने सभी क्वेश्चंस को 11.2 के जो क्वेश्चंस हैं उनको कर अपने आप देखेंगे। ओके।